बच्चे हैं बेसिकली जिन्होंने सवालात किए थे। मैंने एक मैसेज छोड़ा था कि यार यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम। तो सबके मेजर जो सवाल आए वो ये है कि आमिर भाई से पूछेंगे, आमिर भाई रिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है थंब फिंगर, क्योंकि वो ज्यादातर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। देखिए, रिस्ट ही मोस्टली जो होता है वो आपका वेपन होता है विद द न्यू बॉल, क्योंकि आपकी रिस्ट जिधर मूव करती है नए बॉल के साथ, आपका मोस्टली 99% बॉल उधर ही जाता है, ठीक। और इसका लॉक रहना, अगर आपने इनस्विंग करना है तो इसका इनसाइड लॉक रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको फिनिश फिर पूरा करना होता है इनसाइड की तरफ। फिर जब आपने आउटस्विंग करना होता है, आपको पता है कि आपका एंगल चेंज होता है और वो फर्स्ट स्लिप की तरफ जाता है। जिधर आप रिस्ट को मारोगे नया बॉल मोस्टली उधर जाता है, लेकिन उसके बाद आ जाता है जो आपका फिनिश पॉइंट होता है, क्योंकि ये जो आर्म है आपका ये फिर पूरा फिनिश होना चाहिए। अगर आप अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो आपका ये पीछे जाके ये लगना चाहिए रिप्स को कि ये पूरा फिनिश हुआ है, क्योंकि जब तक आप फिनिश नहीं करोगे आपकी रिस्ट पूरी फिनिश नहीं होगी। तो फिनिश और फिर इसको लॉक रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच आमिर, आपने जितने भी आपने फैंस थे उन बच्चों को आपने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, और आई एम श्योर कि ये वीडियो जब मैं डालूंगा तो वो बच्चे बड़ा उस चीज़ को फॉलो करेंगे, और क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के लिए कोई रिप्रेजेंट करते हैं इट मीन्स के ही इज समबडी फ्रॉम द इतने करोड़ों आवाम में से कोई एक ऐसा हीरा होता है वही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है।